हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सनू प्रीत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ था कि सनू जो होती है वो उसके और प्रीत के बीच में जो भी गलतफहमी होती है उन्हें सॉर्ट आउट कर दिया, उसे जो भी नाराज़गी होती है उसे दूर कर दिया। और प्रीत को खुश करने के लिए वो उसके पापा से बात कर लेती है ताकि वो दोनों जो हैं वो प्रीत के एक फ्रेंड की शादी में जा सके और वहाँ पर कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके, जिसका बिल्कुल भी आइडिया प्रीत को नहीं होता। और वो सानू से पूछती है कि ये सब कुछ कब प्लान हुआ। तो सानू से कहती है कि मुझे लगता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं, कुछ मेरी भी है। मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया तो सोच रही हूँ अब से हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दूँगी और तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से का पूरा वक्त मिलेगा। लेकिन इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ छोटी सी खट्टी मीठी सी नोक झोंक हो जाती है, जिसकी वजह से फिर छोटी है वो वहाँ से थोड़ा सा नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है, जिस पर सानू को बहुत हंसी आ रही होती है। और कुछ देर के बाद वो प्रीत के पास कॉल करती है, लेकिन प्रीत उसका फ़ोन कट कर देती है। सानू अगेन कॉल करती है लेकिन फिर भी कट कर देती है। तो सानू उसके पास एक इमोजी भेजती है उसके व्हाट्सएप पे, जिसे देख करके भी अनदेखा कर देती है प्रीत। तो सानू दोबारा से एक इमोजी भेजती है, तो इस पर प्रीत जो है वो गुस्से वाला भेजती है। सानू उसके बाद मुस्कुराहट वाला और प्रीत जो है वो गुस्से वाला। तो इन दोनों का ये गेम चल ही रहा होता है। इतने में सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि प्रीत देखो मजाक बहुत हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो सनू के पास कॉल करती है। तो सनू से कहती है कि क्या हुआ, तुम तो नाराज़ थी, बात नहीं कर रही थी, कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी, फिर अब कॉल क्यों कर रही हो। तो प्रीत कहती है अरे सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ सर में दर्द हो रहा है, तुमने दवाई नहीं ली। तो सनू कहती है दवाई ले ली। तो प्रीत कहती फिर दर्द क्यों हो रहा है, अगर ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास। तो सनू कहती है हाँ डॉक्टर के पास तो चलना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने बात करी है डॉक्टर से और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी बता रखी है। तो प्रीत कहती है मेडिसिन, यार जब मेडिसिन बता रखी है तो उसे लो ना, अगर तुमने ये कहा कि तुमने दवाई नहीं ली। तो सानू कहती है नहीं सच में दवाई नहीं ली। तो प्रीत कहती यार सानू सानू अभी दवाई लीजिए। तो सानू कहती यार कैसे लूँ, दवाई तो मुझसे दूर है। तो प्रीत जो है वो शरारत को समझ जाती है, अच्छा दवाई दूर है तो सर में दर्द भी आपसे बहुत दूर होगा है ना, झूठ बोला ना मुझसे। तो सनू कहती नहीं मैं और झूठ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो प्रीत कहती कभी भी, वैसे ना एक बात को मुझसे मिलने से पहले सच में कभी झूठ नहीं बोलते थे और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे सच नहीं बोलते हो, जब भी नाराज़ होती हो ना झूठी बातें करके मना लेते हो। तो सनू कहती यार कमाल है, मैंने तुम्हें मनाया नो बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया कि मेरे सर में दर्द है, मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना कहा कि बहुत सारा सर में दर्द है। तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा दर्द था और तुम उससे बात करी तो ठीक हो गया, मैंने झूठ तो बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो प्रीत कहती है बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। तो सन कहती है वेरी गुड, वैसे एक बात कहूँ, मैं पहले इतनी बातें नहीं बनाया करती थी, अब बनाने लग गई हूँ, कहना कि तुम जो मिल गई हो तुम बातों से मानती हो, वरना मैं इंसान तो खामोशियों से मान जाऊँ। तो प्रीत कहती है वेरी फनी है ना, बातों से मानती हूँ कोई बातों से नहीं मानती हूँ। एक बात बोलूँ, तुम्हारी बातों से मैं कभी भी नहीं मान सकती क्योंकि तुम्हें बातें करनी नहीं आती और उससे ज़्यादा तुम्हें मनाना भी नहीं आता है। तो सुन कहते अच्छा जिस दिन मेरा दिल करेगा ना तुम्हें मनाने का उस दिन देखना मेरा तरीका कितना अच्छा होगा, कहना कि छोटी मोटी बातों के लिए मैं ये अपना टैलेंट वेस्ट नहीं किया करती, वरना तुम्हें तो आदत पड़ जाएगी, तुम मुझसे हर बार नाराज़ हो जाओगी और ताकि मैं तुम्हें हर बार मना सकूँ, इसलिए मैं अपना टैलेंट जो है वो छोटी मोटी चीज़ों में वेस्ट नहीं करती, तुम्हें तो मैं ऐसी छोटी चीज़ों के लिए यूँ मना लूँ, ऐसे होता ना चुटकी बजा के। तो प्रीत कहती है ओके तो वो टैलेंट मुझे देखना है, मैं नाराज़ हूँ। तो सनू कहती है अच्छा तो तुम नाराज़ हो ये तुम मुझे बता रही हो, मुझे जानना नहीं है ना, मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो प्रीत जो वो सन कहती है देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो सन कहती है ज़्यादा ज़्यादा तो तुम्हारा हो गया, तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम तक हम दोनों सो जाते हैं। तो प्रीत कहती है गॉड सोना कमाल के इंसान हो, सोना सोना या एक चीज़ बताओ सानू। तो सानू कहती पूछो। तो प्रीत कहती है सपोज़ करो। तो सानू कहती नहीं। तो प्रीत कहती क्या। तो सानू कहती यार तुमने कहा ना सपोज़ करो, मेरा मूड नहीं है कुछ भी सपोज़ करने का। और उसके बाद सानू जाती है वो हंसने लग जाती है। तो प्रीत कहती है मजाक हर वक्त मजाक। तो सानू कहती ठीक है तुम्हें मेरा मजाक करना पसंद नहीं है तो मैं आपसे नहीं करूँगी। तो प्रीत कहती यार मैंने कब कहा मजाक करना पसंद नहीं है, पर हर वक्त तो ना करो।
तो संगत, यार मैंने मजाक करा कब है जो तुम हर वक्त की बात कर रही हो? तो प्रीत कहती, आज है ना देखे जा रही हूँ मैं, बहुत मजाक कर रहे हो। क्या बात है, बताओ ना सानू, किस बात को लेके इतने खुश हो? तो सानू कहती, देखो वैसे ना ऐसा कोई मूड है नहीं मेरा खास मजाक करने का, या मैं ऐसा कोई खुश भी नहीं हूँ। वैसे तो खुश हूँ मगर कुछ स्पेशल नहीं हुआ है। बस स्पेशल ये हुआ है कि क्या ना कि मेरा जो दिल है ना दिल, वो इतने दिनों ना मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था, बहुत चीज़ें उसमें चल रही थी, दिल में दिमाग में सब में बहुत कुछ चल रहा था। और इन सब से परे हटके एक चीज़ ये भी थी कि तुमसे दूर, तुम्हें पता है हमारे रिश्ते को इतना वक्त हो गया, मुझे तुम्हारी तुम्हारी आदत समझ लो, ज़रूरत समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत ज़रूरी हो प्रीत, बहुत ज़रूरी। मैंने तुमसे जब प्यार किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि अगेन मुझे भी प्यार ही मिलेगा, कि तुम मुझे पसंद ही करोगी। मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग भी था और यूँ कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि कभी मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने वाला है और तुम, खासकर तुम मिलने वाली हो। मेरा ये था कि मैं तुमसे कह दूँगी तुम मान जाओगी या नहीं मानोगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कहने का सोचा था सिर्फ। लेकिन उसके बाद तुम मानी, हमारा रिश्ता इतना आगे गया, मैं बहुत खुश थी। फिर जो भी हुआ गलतफहमी हम दोनों के बीच में, वैसे तो वो गलतफहमी भी नहीं कहेंगे, बस जो भी था उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने तुम पे ज़बरदस्ती अपना प्यार थोपा, तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम्हें समझने का वक्त, सब जो भी था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ महसूस करी कि मैंने गलत सोचा, पता लाइफ में मुझे गलत होना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं गलत हूँ, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार कि मैं गलत हूँ ना तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये लगा था कि तुम किसी और को पसंद करती हो, और थैंक गॉड मैं गलत हूँ कि तुम किसी को पसंद नहीं करती हो, तुम बस मुझे पसंद करती हो, मुझसे प्यार करती हो। ये चीज़ जान करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यही रीज़न है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ, बार बार तुम्हें तंग कर रही हूँ, बार बार तुम्हें छेड़ रही हूँ। मैं खुश इसी वजह से हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, और सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि मुझसे प्यार करती हो। रियली मतलब मम्मी पापा के अलावा अगर कोई है, और भैया जी के अलावा कोई है, तो वो तुम हो जिसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करती है। लेकिन प्रीत जो होती है वो कोई जवाब नहीं दे रही होती, तो सानू को समझ नहीं आता क्या हो गया, नाराज़ तो नहीं हो गई फिर से किसी बात से? तो वो प्रीत से कहती है कि सुनाओ। तो प्रीत तब भी कोई जवाब नहीं देती, तो सानू फिर से कहती है प्रीत सुन रही हो मुझे? लेकिन प्रीत फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो सानू को ऐसा लगता है कि आई थिंक ना उसे आवाज़ नहीं आ रही होगी और मेरी आवाज़ उस तक नहीं जा रही होगी, तो वो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर देती है। और उसके बाद दोबारा प्रीत के पास कॉल करती है, लेकिन इस बार प्रीत जो होती है नींद में फ़ोन उठाती है, बोलती हेलो। तो सानू कहती है कि प्रीत? तो प्रीत कहते हैं वो क्या ना आपकी बातें सुनते सुनते मैं सो गई थी, सॉरी। तो सानू कहती व्हाट, तुम सच में मेरी बातें सुनते सुनते बीच में सो गई? तो प्रीत कहती सॉरी यार, वो पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। तो सानू होती है वो हंसने लग जाती है, यार मेरी बातें इतनी बोरिंग होती है? तो प्रीत कहती है बोरिंग वैसे मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी सुनी थी, फिर लेटे लेटे पता नहीं कब नींद आ गई। तो सानू कहती है भगवान क्या करूँ मैं तुम्हारा यार, मुझे नहीं पता था मैं इतनी बेकार बातें करती हूँ, इतनी बोरिंग बातें करती हूँ जिससे तुम्हें नींद आ जाए। तो प्रीत कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सानू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सानू कहती है कोई बात नहीं, अब तुम नींद में हो तो तुम सो जाओ। तो प्रीत नहीं नहीं बात करो। तो सानू कहती है अरे ठीक है मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ, सुबह तक मेरा गला भी ख़राब नहीं होने वाला है कि तुम्हें मेरी आवाज़ तो नींद देगी, बेशक देगी, तुम अभी सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है प्रीत। तो भी कहती पर, तो सानू कहती है रिलैक्स, कहा ना सो जाओ नींद की ज़रूरत है। तो प्रीत बोलती है ओके गुड नाइट। सो उसके बाद ये दोनों जो अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन सानू को बार बार हंसी आ रही होती है, जो भी अभी हुआ होता है वो उसे सोच सोच के बहुत हंसी होती है। और उसकी ये रात जो है वो बस प्रीत की छोटी छोटी सी बातों को सोचने में, उसके साथ बीते लम्हों को याद करने में गुजर जाती है। सो उसके बाद वो दिन भी बड़ी जल्दी आ जाता है जब इनको
मीन्स कि सानू को और प्रीत को प्रीत की फ्रेंड की शादी में जाना होता है। उस दिन मॉर्निंग में प्रीत जो होती है वो सानू के पास कॉल करती है। सानू उस वक्त अपने काम में थोड़ा सा बिजी होती है, तो वो बिना डिस्प्ले पे नंबर देखे फ़ोन रिसीव कर लेती है। उस वक्त प्रीत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, तो सानू सीधे कहती है कितने बजे चल रहे हो। तो सानू उस आवाज़ को सुन कहती है कितने बजे चल रहे हो, हमें कहीं जाना है। तो प्रीत कहती है कि ओ भगवान तुम ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं है। तो सानू कहती है क्या चीज़, मैं क्या भूल रही हूँ प्रीत। तो प्रीत यार सानू क्यों हो आप ऐसी, मेरे को तो समझ नहीं आता यार, याददाश्त इतनी कमज़ोर, अरे आंटी के सारे बादाम ख़राब करवाओगे क्या यार। तो सानू कहती है होल्ड ऑन यार, मुझे बताओगी कि मुझे क्या चीज़ याद रखनी चाहिए थी जिसे मैं भूल चुकी हूँ। तो प्रीत कहती यार मेरे दोस्त की शादी में जाना था, ध्यान है। तो सानू कहती ओहो याद है, मुझे सब याद है यार, मुझे एक चीज़ बता, तुम अभी ये चीज़ क्यों बता रही हो, हमें तो शाम को निकलना है ना। तो प्रीत कहती शाम को तो निकलना है, लेकिन मेरे को क्या ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए और आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो सानू कहती देखो हेल्प और टाइम दोनों नहीं कर सकती, क्योंकि हेल्प तुम्हें मेरे साथ रह के चाहिए होगी और टाइम का मतलब है तुम्हें कहीं जाना होगा। ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, ना मैं तुम्हें टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है 2-3 दिन के लिए, तो मुझे मेरा सारा काम ख़त्म होगा, प्लीज़ प्रीत। तो प्रीत कहते नहीं 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 मुझे तो जाना है यार, ऐसे मत करो। तो सोचती यार तुम्हारे साथ जाने के लिए तो टाइम निकालती हूँ। अच्छा तुम मुझे ये बता तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए और क्यों टाइम चाहिए। तो प्रीत कहती वो ना मुझे शादी के लिए थोड़े से कपड़े लाने थे। तो सानू कहते थोड़े से कपड़े लाने थे, वो कोई मार्केट में मिलने वाला 1/2 किलो 1 किलो वाला सामान है जो थोड़ा सा लेके आना था, सही बताओ। तो प्रीत बोलती है यार वो क्या है ना कि शादी वाले फंक्शन के लिए ड्रेस चाहिए थी, और उससे पहले एक जो उनकी एंगेजमेंट टाइप होगा उसके लिए चाहिए थी। तो सानू कहती 2 ड्रेसेस, वेरी गुड, तुम्हें पता है तुम्हें एक ड्रेस ख़रीदने में कितना वक्त लगता है। तो प्लीज़ कहती है प्लीज़ 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 चलो यार, मुझे ना बस तुम्हारी पसंद से कपड़े पहनने इस वजह से, और मैं भूल गई थी, सच्ची सच्ची याद ही नहीं रहा था मुझे। तो सानू कहती एक चीज़ बताओ तुम पागल हो क्या, एंड मोमेंट पे कपड़े लेके आओगी, फिर एंड मोमेंट पे उनकी फ़िटिंग और करवाओगी, तुम्हें पता है कितना टाइम लग जाएगा, हमें जाना भी है। तो प्रीत कहती तभी तो सुबह बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाओ ना। तो सानू कहती देखो तुम्हारे किसी दोस्त को ले जाओ यार प्लीज़, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। तो उसके बाद प्रीत जो दिया वो अपना फ़ोन कट कर दिया। तो सानू कहती हाँ ना जवाब ही नहीं दिया मुझे। तो उसके बाद दोबारा से प्रीत के पास फ़ोन करती क्या जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। तो प्रीत कहती बस जवाब देने की क्या बात है, आपने तो अपनी बात कह दी ना, जाओ अपने किसी दोस्त के साथ, जब मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ, मम्मी नहीं है मेरे पास, 2-2 मम्मी है मेरे पास, मैं एक के साथ भी जा सकती हूँ ना, पर मैं किससे कह रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे साथ जाना है ना, तुम तैयार ही नहीं हो जाने के लिए, पता है सानू वेरी बैड। तो सानू कहती यार इसमें बैड वाली क्या बात है, अब काम। तो प्रीत कहती याद रखना काम। तो सानू कहती और। तो प्रीत कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ध्यान रखना काम। वरना कोई कह रहा था मुझसे कभी कि दोनों को टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए, तुम्हारे से का टाइम तुम्हारा, काम कैसे का टाइम तो काम का, दोनों को प्रायोरिटी पे रखना, पर अब काम की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है हमेशा, अपनी बातों से लोग मुकर जाते हैं, क्या किया जाए, ज़माना है ज़माना, मुकर गया। तो सानू कहती है बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना प्रीत, ये मैंने वो बात किस लिए कही थी और तुम उस बात का क्या मतलब निकलवा रही हो। तो प्रीत कहती है देखो चाहे कभी भी कही हो किसी लिए भी क्यों कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मैं उस बात का यही मतलब निकालूंगी। तो सानू कहती है ठीक है ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग लंच टाइम में चलते हैं, उस वक्त तुम्हारे कपड़े ले लेंगे ठीक है, ताकि फिटिंग वगैरह के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाए, और इसके अलावा तुम्हें और भी कोई अगड़म शगड़म ले रहा हो तो तुम ले सकती हो। तो प्रीत बोलती है ये हुई ना कोई बात, आई लव यू जान। तो सानू कहते हैं ठीक है। तो प्रीत कहते क्यों आई लव यू टू बोलो। तो सानू कहती हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो प्रीत तुम। तो प्रीत कहती ओहो तो आंटी जी वहीं हैं। तो सानू कहती बिल्कुल यही है मामा यही है, बात करनी है तुम्हें। तो प्रीत कहती नहीं नहीं बात नहीं करनी, मुझे बस उनकी लड़की से कहना था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आई लव यू का जवाब नहीं दे रही है, तो आप उनकी बेटी से कहिए कि वो जवाब दे दे। तो सानू कहती हाँ जवाब देगी वो, एक काम करो दोपहर को उससे मिल लेना और तब उससे जवाब ले लेना,
एकदम सामने के आमने सामने, है ना। तो प्रिय कहते ठीक है नहीं करो परेशान, आप भी क्या याद रखोगे कि किस दिलदार से पंगा पड़ा है। तो सानू कहती है ये दिलदार क्या है ना, आज इसको मेरे साथ जाना है, इसको टाइम चाहिए, शॉपिंग करनी है, फिर इसको शादी में भी मेरे साथ जाना है, इसलिए मुझ पर थोड़ी दिलदारी दिखा रहा है, वरना मैं जानती हूँ बहुत ज़िद्दी बहुत अड़ियल इंसान है ये। तो प्रिय कहती है ओह ज़िद्दी अड़ियल, ठीक है अब आई लव यू टू, सुने बिना मैं फ़ोन कट करने वाली नहीं हूँ। तो सन कहती है अरे मैं मजाक भी ना करूँ क्या। तो प्रिय कहती नहीं 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 मजाक और हकीकत दोनों का फ़र्क मैं जानती हूँ, और मुझे पता है ये मजाक नहीं है सच था, अब तो मुझे सुनना ही है, बोलिए सानू। तो सन कहती बस मैं ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ, मम्मा सर्व ही कर रही है। तो प्रिय कहते देखो मुझे ये नहीं सुनना, जो सुनना है वो सुनाओ। तो सन कहते ओ वो अच्छा वो तो रूम में है ना, 2 मिनट रुको मैं बस अभी देख के तुम्हें बताती हूँ। और उसके बाद सानू जब उठ रही होती है तो उसकी मम्मी कहती है यहीं बैठ जाओ बाद में बता देना, नहीं तो मेरी बात करा दो प्रीत से, मैं उसे कह देती हूँ बाद में बता देगी, वैसे बीच में से मत उठो। तो सानू कहते हाँ मम्मा आप ये लीजिए फ़ोन और उसे बताइए। सर उसके बाद सानू की जो मम्मा होती है वो फ़ोन ले लेती है और प्रीत से कहती है कि प्रीत जो भी बात है बाद में कर लेना, अभी ये ब्रेकफास्ट कर ले। तो प्रीत कहते हाँ जी आंटी मैंने कब मना करा, मुझे नहीं पता था ब्रेकफास्ट करी है, कोई नहीं पर एक बार बात करा दूँ मैं उनको, बोल दूँगी वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगी। तो उसकी मम्मी जो होती है वो दोबारा से सानू को फ़ोन दे देती है। तो सानू कहती देखा मम्मा ने समझा दिया तुम्हें। तो प्रिय कहती बहुत चंट हो। तो सानू कहती मैंने कॉल नहीं दिया था, मम्मा ने खुद ने लिया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो प्रीत कहती है ठीक है मत बोलो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। तो सानू कहती है माँ मेरी, लेकिन इतने में सानू की जो मम्मा है वो अंदर किचन की साइड जाती है। तो सानू बहुत धीरे आवाज़ में उसे आई लव यू टू बोल देती है। तो प्रीत बोलते तेज। तो सन कहते वक्त तुम्हारा भी आएगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नहीं आएगा, ध्यान रखना तुम भी अपने घर वालों के साथ बैठते हो और बहुत बार फ़ोन उनके सामने जाता है, अगर मुझे फंसा रही हो ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो प्रीत कहते ठीक है समझ गई मेरे कान तेज़ है, मैंने आपको धीरे में भी आई लव यू टू सुन लिया, समझ गई मैं। तो सन कहते गुड, वैसे तुम तरीके से समझती नहीं हो, तुम्हें समझाना पड़ता है। तो प्रीत कहती अरे अब समझ गई ना यार क्यों सुना रहे हो। तो सन कहते सुना नहीं रही हूँ फ़ोन रखो यार। तो प्रीत कहते ओके ओके बाय बाय दोपहर को फ़ोन कर लेना यार से। तो सन कहती ओके डन। सो गाइस अभी हम लोग ना नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक लेस यू बाय बाय।